ये इसको ना हर कपड़े पे बैठ के, हाँ, मस्ती करना। हाँ देख 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 सकते हैं दोस्तों, देखिए ये देखिए। मॉर्निंग दोस्तों, तो हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और ये दिखाइए गर्मा गर्म चाय और ये तंदूरी चिप्स खाएंगे। हाँ लेज मैक्स। और आप देख सकते हैं कुकी को भी नाश्ता मिल गया, वो भी अपना अंडा खा रही है। तो हम लोग नाश्ता करते रहते हैं, फिर आपसे मिलते रहते। इतनी सर्दी खांसी मुझे हो गई है, इतनी ज्यादा पूरा नहीं, चादर ओढ़ने की वजह से नहीं, थोड़ा सफाई उफाई करने की वजह से ना, धूल मिट्टी जो गया है ना अंदर में, तो मुझे पूरा मतलब सुबह उठे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा भरा हुआ है, सब कुछ निकाला मैंने। और अभी इसमें अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, गरम मसाला, चिकन मसाला, बुरगुर सब डाले हैं इसमें। वो तो सब पता है यार, अब चद्दर तो ओढ़ते नहीं, कुछ ओढ़ते नहीं, पूरे टाइम ठंडी में से पूरे ऐसे रहते हैं यार आप। तो चाय पीते हैं, थोड़ा सा फ्रेशनेस करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों। कुकी का मॉर्निंग में क्लीनिंग क्लीनिंग आई क्लीनिंग 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 की बात तो अपनी जगह तो डेली होता है। हाँ। ये आजकल इतना खाना बर्बाद करने लग गए, समझ में, डॉक्टर ने भी स्ट्रिक्ट करके रखा है, कुछ कुछ खाना इनको नहीं देना, इनको वही पसंद है। दही डेली 1 किलो दही लाते, 2 दिन चलता है और डेली ये दही बर्बाद करती है, पूरा फेंकाता है, दही खाते ही नहीं है कुछ भी। दही इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए मैंने इनको, देखिए ऑमलेट बना के नहीं खा रही है, हाँ। और एकदम बिल्कुल नहीं चलाया कि जल जाएगा तो नहीं खाइए, नहीं खाइए। कल भी 2 अंडे का ऑमलेट बना के दिया, वो भी नहीं खाई है, बिल्कुल नहीं पता क्या हो गया इसको। चिकन देते हैं, चिकन भी फेंक देती है, मतलब अपनी मर्जी की, मन करेगी तो खाएगी, नहीं मन करेगा तो चिकन भी फेंक देगी। इसके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर को दिखाइए, एपेटाइट प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसको क्या डेली चेंज करके दो, कभी चिकन दो, बिल्कुल 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 पूरे टाइम चेंज है। सुबह दही देता ना जाते हो तो ये खा जाती, क्यों, क्योंकि इसको दही नहीं दिए 2 दिन से, कल रात को दही नहीं दिए। अब इसको दही ठंडी के मौसम में सुबह सुबह दही कैसे दे यार, बेटा खा लो ना इसको। गंभीर अवस्था से देख रही, इसको टाइम टाइम चाहिए, मतलब एक बार पनीर दो, तो एक बार दही दो, तो एक बार अंडा दो, चिकन, मतलब पूरे टाइम उसको बदल के दो, एक बार रिपीट कर कुछ दे दिए। और पेडिग्री दो इसको, हाँ। तो पेडिग्री डॉक्टर ने मना कर दिया, हमारे पास पेडिग्री का भंडार पड़ा हुआ रूम में, लेकिन वो भी फेंकना है मुझे, नहीं दे सकते, लेकिन क्या करे, खाओ बेटा खाओ, ले बेटा ले। नहीं पता क्या हो गया है इसको, छोड़ देती है, कौन सा नाटक रहता है उसको। क्या बेटा, क्यों, क्या हो गया कुकी? इसके कोशिश करते हैं कि डेली इसके पसंद की चीजें बने, लेकिन कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। आप डेली चेंज करके कैसे दे देंगे बेटा, खाली केला सेव खा के जिंदगी तो नहीं चलेगा। हाँ, सेव खाने को दे दो तो बहुत अभी चाव से खाती है, खा जाएगी। खा ले बेटा खा ले, ये लाया जाना। हाँ से ये लोग बेड में खाते है ना, वाह बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ना बेड में, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हाँ ये भी वो हटा देंगे, अच्छा नहीं लगता है। नहीं सही है ना, ये बेड में खाते तो बड़े बिछा के खाने में इजी पड़ता है। इसको अब डलवाना है कि कोने में डाल के देखे क्या? हाँ, कोने में जो डाल के देखते हैं अपन, है ना, डीलिंग का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, देखते हैं। मैं भी ड्रिलिंग कराएंगे, इधर से डालेंगे, हाँ। तो पानी हमारा बेसिन के ऊपर नहीं है, पानी जो टप टप करके गिरेगा तो नीचे गिरेगा ना। वही वही बात है कि हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है कि बेसिन के ऊपर रख सकते हैं ना, ऐसी जगह रखना है कि नीचे ऑलरेडी सब्जी का वो है तो उतना दिक्कत आएगा, तो मुझे भी खटक रहा था। मैं देखते हैं सुखा सुखा के प्लेट को डाले, क्योंकि नॉर्मली जिसका होता है उसका बेसिन के ऊपर होता है। नहीं मेरे घर में भी ऐसे बेसिन के ऊपर नहीं है, किचन में तो क्या होता है मम्मी बर्तन धो के साइड में ही रखा रहता है और फिर वहां से उठा उठा के बर्तन के सेट में डालती हैं। ये देखो, ओ माय गॉड, हेवी है भैया, हेवी भी है, बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया, इनफ है अपन के लिए, इनफ है, बहुत बढ़िया है हमारे लिए, इनफ है। हाँ हम लोग के लिए इनफ है। ये कब से तुम मुझे गाली दे रही थी? हाँ कब से दे रहे थे, फाइनल चलो दिवाली में तो कम से कम कंप्लीट हुआ। इधर इधर ना, हाँ नहीं डाल रहे, तंग आएगा नहीं, हाँ नहीं, हाँ बहुत अच्छे से आ जाएगा, अब देखते हैं क्या कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा ना, ये ढक देगा, हाँ देखते इसके ऊपर आ जाएगा क्या, देखते हैं कहाँ पे सेट बैठता है, फिर उस हिसाब से अपन करते हैं ना। यहाँ पे रहेगा तो अच्छा भी रहेगा, है ना, मुझे मजा नहीं आ रहा कि पानी वानी की जगह, क्या पता समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं जैसे कंफर्टेबल होगा वैसा अपन करेंगे, है ना। कि ये स्टैंड हमारा लग चुका है
और मैं दिखा दूं, मेरे पति देव ने यहाँ पूरा सामान हटा के क्लीन कर रहे हैं सारा। वहां पे भी वो रखा था, क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म में वो प्लास्टिक का बर्तन रखने का, तो उसको भी हटा दिया गया है। और यहाँ पे जितनी चीजें थी वो सारी हटा के भी क्लीन कर रहे हैं, और बाकी अब अच्छे से अरेंज करेंगे ना डार्लिंग। फालतू जो चीजें थी वो बर्तन रखने वाला जो वहाँ पे नीला रंग का वो था, उसमें भी दो ही बर्तन थे, बाकी प्लास्टिक के डब्बे भरे हुए थे। ये सब क्लीन व्लीन चल रहा है। इसको क्या करें? इसको भी क्या, अच्छा तो नहीं, झोला काम का है, इसको धो के रखना चाहिए। हाँ, झोला काम आता है। देख सकते हैं अंकिता पूरा अलमारी को पूरा जमा रही है अच्छे से, और फिर उसके बाद हम लोग लगेंगे किचन के मेकओवर करने में। आज सोच रहे किचन का मेकओवर ही पूरा कंप्लीट कर ले, क्या डार्लिंग, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, कुकी लगी है परेशान करने में मम्मा को। कुकी नो बेटा नो, मम्मी को काम करने दो। ये इसको ना हर कपड़े पे बैठ के हाँ देख 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 सकते हैं दोस्तों, देखिए ये देखिए। हाँ, काम तो करेगी नहीं। हाँ देखो, और डिस्टर्ब करने जरूर आ जाएगी, चोट लग जाएगा, ध्यान देना उसको, ठीक है। ये फाइनली जम गई है मेरी अलमारी, जो कि मेरी डार्लिंग की अलमारी है। और ये रही दूसरी अलमारी, जो कि इसको मैंने जमा दिया है, और बातचीत की बाकी कपड़े बचे हुए हैं, अब उसको धीरे धीरे अरेंज करेंगे।